संस्कृति मॉम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पके आम की बहुत अच्छी रेसिपी बनाएंगे। मार्केट में बहुत अच्छे पके आम आने लगे हैं और बहुत ही अच्छी नई नई और अनेक तरीके की रेसिपी इनकी बनती हैं। एक हमने आम ले लिया है, जितनी क्वांटिटी में आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं उतने ही हम आम ले लें। हमारा बहुत ही बड़ा आम है इसलिए हमने एक ही आम लिया है। सबसे पहले हम इस आम को काट करके इसका जो पल्प होता है पल्प निकाल लेंगे। आज हम बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही नई रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। सारे आम का हमने पल्प निकाल लिया है, इसको हम साइड में रख देंगे। और हमने तीन चार ब्रेड ली है, थोड़े से हमने पिस्ता लिए हैं, पिस्ता को हम पहले साइड में रख देंगे। और हम दो ब्रेड को एक मिक्सी के जार में डाल के इसका ब्रेड क्रंच बना करके तैयार कर लेंगे। हमने ब्रेड को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। यदि आपका ब्रेड क्रंच पहले से बना हुआ रखा हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। जो आपके घर में ब्रेड हो आप उसी का ब्रेड क्रंच बना करके तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पर दो गिलास फुल क्रीम दूध ले लिया है और दूध को हम कढ़ाई में डाल के अच्छे से बॉईल कर देंगे। हमारा पहले से बॉईल किया हुआ दूध है, यदि आपके पास कच्चा दूध हो कच्चा दूध भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हमारा दूध बॉईल होने लगा है, इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब कोई आपको ठंडी चीज़ बनाना है दूध में आप थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डालना, जब चीज़ ठंडी हो जाती है तो वो कम मीठी लगने लगती है, इसलिए हमने छोटी कटोरी से एक कटोरी चीनी इसमें डाल दी है। और गैस को तेज करते हुए दूध में अच्छे से बॉईल और आने देंगे। दूध में जो हमने चीनी डाली थी चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है और दूध बॉईल करते करते हमारा थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। जो हमने ब्रेड क्रंच बनाया था उसमें हम थोड़ा थोड़ा ब्रेड क्रंच डाल देंगे और लगातार चलाते हुए सुंदर ब्रेड क्रंच डाल देंगे और गैस को धीमा कर देंगे। धीमी गैस पर अच्छे से ब्रेड क्रंच को दूध में मिक्स करेंगे। हमें इस दूध को अच्छे से लगातार चलाते रहना है, जो हमने इसमें ब्रेड क्रंच डाला था उसमें गुठलियाँ ना बनने पाए। जैसे हमारा दूध हमने थोड़ा गाढ़ा कर लिया था और जब हमने ब्रेड क्रंच डाल दिया तो हमारा जो दूध है बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और अच्छे से पक भी चुका है। अब हम गैस को बंद करके इसको ठंडा करेंगे। जब तक हमारा दूध ठंडा हो रहा है तब तक हम उसी मिक्सी के जार में जो हमने आम का पल्प निकाला था उसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। और हमने थोड़े से पिस्ता लिए हैं, इसी के साथ में हम पिस्ता को पीस लेंगे। और थोड़े से हमने मखाना लिए हैं, मखाना को भी हम इसी के साथ में पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा दूध डाल देंगे और दूध के साथ इस आम को अच्छे से बारीक पीस लेंगे। दूध के साथ पके हुए आम को हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है और जो हमने पिस्ता डाला था पिस्ता के इसमें थोड़े थोड़े से टुकड़े बचे हैं, तो जब वो हमारे मुंह में आएंगे खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। और जो हमने दूध और ब्रेड को गाढ़ा करके रखा था वो भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। हमें इसको ठंडा करके ही लेना है और हमने दो गिलास ले लिए हैं। इस गिलास में हम थोड़ा सा दूध को डाल देंगे हमने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है। और जो हमने आम का पेस्ट बनाया था इसमें हम थोड़ा सा आम का पेस्ट डाल देंगे। हमने आम में चीनी बिल्कुल भी नहीं डाली है क्योंकि हमारा आम बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं था। यदि आपका आम बहुत ज़्यादा खट्टा हो तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी और डाल सकते हैं। इसके ऊपर जो हमारा दूध और ब्रेड मिक्स किया हुआ रखा था उसको हम थोड़ा सा और डाल देंगे। ऊपर और नीचे हमारा मीठा मीठा इसका टेस्ट आएगा और बीच में खट्टा खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो हमने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा हमारा मैंगो बचा हुआ था इसको हम
इसके ऊपर डाल देंगे। देखो देखने में कितना अच्छा लगने लगा है। और ऊपर से हम थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता डाल देंगे। थोड़े से हमने बारीक कटे हुए पिस्ता डाल दिए और बारीक कटा हुआ हमने मखाना डाल दिया है। यदि आप लोगों को मखाना पसंद ना हो तो आप मखाना की जगह से काजू या बादाम भी डाल सकते हैं। देखो हमने गिलास को अच्छे से गार्निश कर दिया है। यदि आपको बहुत ज़्यादा ठंडा इसको खाना हो तो आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में और रख दें, क्योंकि हमारी दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठंडी थी और हमने गिलास में इसको सर्व कर लिया है। इस रेसिपी को आप 4-5 दिन तक भी स्टोर करके खा सकते हैं। दोनों चीज़ों को अलग अलग बारीक पीस करके अलग अलग डिब्बे में रख लें और जब आपको खाने का मन हो तो आप फ्रिज से निकालें और इस तरीके से गिलासों में सर्व करके खा सकते हैं। आपके बच्चों को तो इस तरीके की ठंडी ठंडी रेसिपी इस गर्मी के मौसम में खाने में बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।